है दुनिया की सबसे बड़ी हैंडबैग कंपनी जो एक्चुअल में हैंडबैग बेचना ही चाहती। इनफैक्ट इसी की वजह से इनके कस्टमर्स ने इन पे केस किया है कि जानबूझ के स्कैर्सिटी करके प्राइसेस बढ़ाते हैं। लक्ज़री रिटेलर हर्मेस इज बीइंग हिट विद अ क्लास एक्शन लॉसूट इन कैलिफोर्निया। द स्कैर्सिटी ऑफ दिस बैग हैज मेड देम अ स्टेटस सिंबल अमंग द वेल्थी। इनके ऊपर गाने लिखे हुए हैं, मूवीज में सीन है, याद है ना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का बैगवती वाला सीन। मीट बैगवती इन पे ही तो है। तो मैं बात कर रहा हूँ हर्मेस की, और इस वीडियो में हम तीन स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे जिसके वजह से वो दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट लग्जरी ब्रांड्स बने, एंड एंड में आपको समझ आएगा कि यार ये तो एक्चुअल में बैग बेच ही नहीं रहे। जल्दी से वीडियो शुरू कर देते हैं। हर्मेस दुनिया का सेकंड बिगेस्ट लग्जरी ब्रांड है। $250 बिलियन का इनका मार्केट कैप है। पहले नंबर पे अपने LVMH है जिनका मार्केट कैप $500 बिलियन है, बट उनके अंडर 75 लग्जरी ब्रांड्स आते हैं। बट हर्मेस अकेला है, वही अपने पुराने बर्किन बैग्स और कैली बैग्स बनाता है, फिर भी इतनी बड़ी कंपनी है। इनफैक्ट पिछले साल उन्होंने $14 बिलियन का रेवेन्यू किया है, $5.7 बिलियन का ऑपरेटिंग इनकम है, यानी 71% ग्रॉस मार्जिन, 44% ऑपरेटिंग मार्जिन। ये लिटरली एक टेक बिजनेस के जैसा है जिसमें कोई R&D के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ती, और जबकि एक्चुअल में ये बैग जो कि एक कमोडिटी है वो बेच रहे हैं। तो इतने महंगे प्राइस में ये कैसे बेच पा रहे हैं, लोग इनको क्यों खरीद रहे हैं, इसके पीछे तीन मेन रीजन है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला रीजन है एक्सक्लूसिविटी। भैया इनके जो पॉपुलर कैली और बर्किन बैग्स है ना, वो मिलना ही मुश्किल ही नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। फिर आप बोलें कोई नहीं स्टोर जाके चेक कर लेते हैं। अब सारे स्टोर में भी ये बैग अवेलेबल नहीं होगा, और ये आपको बताएंगे भी नहीं कि भैया कौन से स्टोर में अवेलेबल है। अब मान लो कि आप उनके हेडक्वार्टर स्टोर या ऐसे बड़े स्टोर में गए जहाँ पे ऑलमोस्ट हमेशा होता है, फिर भी आपको पहली बार में बैग खरीदने नहीं देंगे चाहे आपके पास उतने पैसे भी हो। इनका कहना है कि आपको पहले ब्रांड के साथ एक रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, यानी उनके अलग कॉमन प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे, उनके मैनेजर से दोस्ती यारी करनी पड़ेगी, फिर ये आपको मौका देंगे खरीदने का। बेसिकली ये पुश बेस्ड नहीं बल्कि पुल बेस्ड मार्केटिंग करते हैं, और क्योंकि इनके बैग्स इतने कम अवेलेबल होते हैं इसलिए कस्टमर्स ने इन पे केस किया है कि यार जबरदस्ती का स्कैर्सिटी करते हैं ताकि अपने प्रोडक्ट्स की वैल्यू इंक्रीज कर पाए। अब ये कोई सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स भी नहीं करते, क्योंकि इनका कहना है कि भैया सेलिब्रिटीज भी तो हमारे बैग के लिए लाइन लगाते हैं, और जब सेलिब्रिटी हमारा बैग यूज़ करते हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। इसके अलावा कोई भी दो स्टोर्स इनके सेम नहीं होते, हर स्टोर में डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो एक्चुअल में आप इनके स्टोर्स को जाके एक्सप्लोर करते हो, एक लॉयल फॉलोअर बनते हो ब्रांड के, और उसके बाद जब आप बैग खरीदते हो लिटरली आप एक एक्सक्लूसिव क्लब यानी कल्ट का पार्ट होते हो। एंड फिर क्योंकि इतनी मुश्किल से इतने पैसे खर्च करके आपको बैग मिला है, आप खुद ही इनकी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग बहुत ज़्यादा कर देते हो। एंड क्रेजी चीज़ ये है कि यार इसी की वजह से ये एक वेबलिन गुड बन गया है। मतलब यूजुअली क्या होता है, जब एक चीज़ का प्राइस बढ़ाते हो उसकी डिमांड गिरती है, बट वेबलिन गुड्स में क्या होता है, जब उसकी प्राइस बढ़ाते हो उसकी और डिमांड बढ़ती है, क्योंकि उसकी डिजायरेबिलिटी डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। तो आप बोलोगे भैया ये चीज़ तो हम भी कर सकते हैं, ज़बरदस्ती का मुश्किल बना देंगे बैग खरीदने को और प्राइस इन्फ्लेट कर देंगे, हमारा भी एक्सक्लूसिव ब्रांड बन गया। बट बात यह है कि क्या कस्टमर्स आपका बैग खरीदेंगे, इसके लिए आपको इनका दूसरा सक्सेस सीक्रेट जानना पड़ेगा जो कि एक क्राफ्टमैनशिप। अब यूजुअली होता क्या है, जब एक चीज़ पॉपुलर होती है दूसरी कंपनीज वो चीज़ कॉपी करने की कोशिश करती है, पर हर्मेस का प्रोडक्शन प्रोसेस इतना यूनिक है कि कॉपी करना बहुत ही मुश्किल है। पहले तो वो मोस्ट ऑफ द चीज़ें हाथों से बनाते हैं, एंड उसके लिए इनके आर्टिसंस को मिनिमम 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद ये जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं ना वो भी बिल्कुल टॉप क्वालिटी के होते हैं। जैसे कैली बैग को बनने में 20 घंटे लगते हैं जो कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट होते कई हफ्ते लग जाते हैं। इसमें 36 पीसेस ऑफ लेदर यूज होते हैं जो कि मोस्टली एक ही एनिमल से लिए जाते हैं, एंड इस लेदर पे कोई निशान विशान भी नहीं होता। अगर प्रोडक्ट थोड़ा भी ख़राब बनता है या सेल नहीं होती उसको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और क्राफ्ट्समैनशिप पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। इनका फेमस सैडल स्टिच इसीलिए बना है क्योंकि एक ऐसा स्टिच है जिसमें अगर एक थ्रेड टूट भी जाता है पूरा स्टिच बाहर नहीं आता। प्लस अगर आप इनके 21,000 एम्प्लॉयज़ देखेंगे, 7,000 तो यार इनके क्राफ्ट्समैन हैं, एंड क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द चीज़ें हाथों से बनाते हैं इसीलिए इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी ईजिली रिपेयर हो जाते हैं। दुनिया भर में बहुत सारे इन्होंने रिपेयर सेंटर्स बनाए हुए हैं जिसमें अगर कोई दिक्कत आई तो ये आपके लिए रिपेयर कर देंगे। अब यूजुअली जो दूसरे ब्रांड्स हैं ना उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए एफिशिएंसी पे फोकस किया, ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज किया, मशीन्स का यूज़ किया, बट इन्होंने उसका ऑपोजिट किया, अभी भी सब कुछ हैंडमेड रखा। और जब लोग बोलते हैं कि भैया ये आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी बना रहे हैं, ज़बरदस्ती प्रोडक्ट्स इनफ बनाते नहीं लगे प्राइस बढ़े, इनका कहना है कि यार आर्टिसंस को ट्रेन करने में इतना टाइम लग जाता है और ये आर्टिसंस ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट ये हर साल अपना 7% प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, यानी 500 आर्टिसंस हायर कर रहे हैं, बट आर्टिसंस अब दुनिया में इतने कम हैं कि भैया ज़्यादा हायर करना मुश्किल है, एंड यही कारण देते हैं कि यार ये कम प्रोडक्ट्स इसलिए बना रहे हैं। केस स्टडीज से तो आप सब इंस्पायर हो ही रहे होंगे, पर अगर आपको अपना पर्सनल ब्रांड या अपना D2C स्टार्टअप शुरू करना है
इससे बेहतर टाइम कुछ नहीं है। अब उसके लिए आपको एक ज़बरदस्त वेबसाइट और बढ़िया होस्टिंग चाहिए। होस्टिंग के लिए मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप होस्टिंगर यूज़ करें, जो कि है तो काफ़ी अफोर्डेबल बट फीचर्स ज़बरदस्त हैं। मतलब फ्री डोमेन, फ्री ईमेल, अनलिमिटेड SSL और भी कई सारे ज़बरदस्त फीचर्स हैं। प्लान्स इनके 69 रुपीज़ पर मंथ से शुरू हो जाते हैं और सबसे क्रेजी बात, इनके सर्वर्स इंडिया में ही हैं तो लोड टाइम भी काफ़ी तेज़ है। प्लस 24/7/365 चैट सपोर्ट है, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। और स्पेशली अगर आप अपना ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो भैया इनका AI वेबसाइट बिल्डर भी है, जिसको मैंने खुद यूज़ किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आराम से आपको क्या चाहिए वो लिखना है एंड ये टेक्स्ट इमेजेस सब कुछ सजेस्ट कर देगा। लिटरली ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप कुछ ही मिनटों में अपनी वेबसाइट रेडी कर सकते हैं। तो भैया अगर वेबसाइट बनाना है तो होस्टिंग लेने में देरी मत करो, और अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो हमारा प्रोमो कोड स्टार्टअप यूज़ करना मत भूलना, होस्टिंगर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब मान लो कि यार आपने अपने प्रोडक्ट में क्राफ्ट्समैनशिप भी लेके आए जिससे आपका प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव बन गया, बट जो पहला पॉइंट है ना वो करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये है टाइमलेसनेस। मतलब Hermes एज अ ब्रांड की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इनकी शुरुआत 1837 में हुई थी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लग्जरी ब्रांड्स है, 6th generation ऑफ द फैमिली अभी चला रही है, तो इससे एसोसिएटेड काफ़ी स्टोरीज हैं जिससे जो जनरल जनता है काफ़ी अटैच होती है। अब जैसे इनके कैली बैग है या जो बर्किन बैग है, एक्चुअल में इनका नाम ये नहीं था, फ्रेंच में कुछ और नाम था, बट अमेरिकन एक्ट्रेसेस ने इनको यूज़ किया इसीलिए पॉपुलर हुए। बर्किन बैग जो था वो अमेरिकन एक्ट्रेस जेन बर्किन एक बार प्लेन में जा रही थी, बाजू में Hermes की CEO बैठे थे, उन्होंने देखा कि यार जेन अपना सारा सामान बैग में फिट नहीं कर पा रही है, गिर जा रहा है, तो इन्होंने उनकी हेल्प करी। और तब जेन ने बोला कि यार अगर Hermes थोड़ा बड़ा बैग बना लेता ना तो भैया मैं ज़रूर उसको यूज़ करती। तो कहानी ये है कि यार वहीं फ्लाइट में डिज़ाइन करते हैं Hermes के CEO ये नया बैग, जो कि आगे जाके बर्किन बैग बनता है। ऐसी कैली बैग भी अमेरिकन एक्ट्रेस जब प्रेग्नेंट हुई थी, उन्होंने अपने प्रेगनेंसी बम को छुपाने के लिए कैली बैग अपने पेट के सामने रख दिया था, जिसकी फोटोज़ पैपराजी ने क्लिक किया और वो वायरल हो गए। तो ये जो सारी स्टोरीज हैं ये तभी पॉसिबल है जब ब्रांड की बहुत बड़ी हिस्ट्री हो, और ये चीज़ कोई नया ब्रांड इतना ईजिली नहीं कर पाता। तभी आप देखेंगे कि यार एक्चुअल में Hermes जो अपने हैंड बैग्स हैं उसको एज प्रोडक्ट ना बेच के एज आर्ट पीस बेचता है, क्योंकि जब आप एक चीज़ को एज आर्ट पीस बेच रहे हो तब आप इसको किसी और प्रोडक्ट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, ये लिटरली वन ऑफ वन हो जाता है एंड फीचर वाइज कंपैरिजन नहीं है, तो आप कोई भी प्राइस पे इनको चार्ज कर सकते हो। वो जो 1% लोग जो आते हैं Hermes के पास, हाँ, वो चाहते ही नहीं कि किसी और के पास हो ये बैग, तभी वो इतना प्राइस हाई करते हैं। वैसे इनके प्राइसेस 5-6 लाख रुपए से शुरू हो जाते हैं, बट इनकी वेटिंग ही बैग लेने में 1-2 साल की होती है, वो भी तब जब आपने इनके दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदे होते हैं, तो इससे कस्टमर की एक्साइटमेंट बढ़ती है और जब उनको प्रोडक्ट मिलता है तो एक अलग ही ब्रांड एसोसिएशन बनता है। एंड वैसे तो सबसे महंगा बर्किन बैग 2 करोड़ का बिका है, बट यार डिमांड ही इस प्रोडक्ट की इतनी है कि यार काफ़ी लोग तो इसे एज अ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, क्योंकि इसके प्राइसेस कंसिस्टेंटली साल बढ़ते आ रहे हैं, एंड क्योंकि इनके डिज़ाइंस टाइमलेस है, ये ज़्यादा डिज़ाइंस को आगे पीछे करते नहीं है। तभी इनके आप पुराने बैग्स देखेंगे वो भी वैसे ही डिज़ाइन के हैं, अभी तक बढ़िया चल रहे हैं, बस कलर्स थोड़े डिफरेंट करते हैं, तो इसीलिए इसकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा है। वैसे लग्जरी ब्रांड्स को कंपेयर करने के लिए हम एक लग्जरी रेशियो कंपेयर करते हैं, जो कि एक्चुअल में होता है कि कितने लोगों को आपके ब्रांड के बारे में पता है डिवाइडेड बाय कितने लोगों के पास एक्चुअली आपका प्रोडक्ट है। एंड इसमें अगर आप देखेंगे Hermes बहुत ऊपर नंबर पे है, क्योंकि ब्रांड के बारे में तो ऑलमोस्ट सबको पता है, बट ले बहुत कम पा रहे हैं। एंड एक्चुअल में आपको समझ आएगा कि यार ऊबर लग्जरी ब्रांड बनाने के लिए आपको एक्चुअल में सामान बेचना नहीं है, बट फिगर आउट करना है तरीका ताकि आप अपना सामान ना बेच पाए, क्योंकि जितना आप नहीं बेचेंगे उतना हाइप आपका प्रोडक्ट का बढ़ेगा। एंड यही रीज़न है कि Hermes आज इतना ज़्यादा पॉपुलर है। ऑफकोर्स बैग्स के प्रोडक्शन वो रोकते हैं, बट काफ़ी सारा रेवेन्यू उनके परफ्यूम्स, वॉचेस, रेडी टू वेयर क्लोथ्स से आता है, जो कि आप आसानी से इनके स्टोर्स या ऑनलाइन खरीद सकते हो। बट अगर आपको बैग खरीदना है तो भैया आपको काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा, फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बैग खरीदने की। एंड यही रीज़न है कि इनके जो लेदर प्रोडक्ट्स है ना वो उनके 50% ऑफ द रेवेन्यू है। दोस्तों ये था Hermes के ऊपर केस स्टडी, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यार Hermes आपको कोई लग्जरी हैंडबैग नहीं बेच रहा, ना ही वो आपको आर्ट पीस बेच रहा है, वो एक्चुअली टाइम बेच रहा है, क्योंकि उनकी हिस्ट्री इतनी ज़्यादा पुरानी है, उसके बैग्स बनने में इतना टाइम लगता है, तो ये टाइम वाला एस्पेक्ट वो आपको बेच रहा है। आई होप आपको ये केस स्टडी काफ़ी अच्छी लगी। कमेंट्स में बताना आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था और कौन से स्टार्टअप या बिजनेस के ऊपर हम केस स्टडी करें। और हाँ यार, होस्टिंगर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हमारा प्रोमो कोड स्टार्टअप यूज़ करके होस्टिंग लेना मत भूलना। आगे हम ऐसे स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड बातें करेंगे, तो जल्द ही मिलते एक नई और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।